हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला नमस्ते और छोटू को ढेर सारा लाड प्यार और आशीर्वाद। तो आज की शुरुआत हो रही है सीधे 9 बजे से, और मैं जा रही हूँ खेत में। और आज खेत का काम है मंडुआ तोड़ना, मतलब मंडुए को, जो मंडुए की बालियाँ होती है ना, वही वो हम लोग आज निकाल लेंगे, मतलब मंडुए को काट लेंगे बालियों को। तो आज मैं मंडुए के खेत में जा रही हूँ, और आज ना मेरा भैया भी आने वाला है यहाँ हमसे मिलने के लिए। तो फिर उसका भी काम वगैरह खुल जाएगा, कंपनी वगैरह खुल जाएगी, तो वो भी अपने काम पे चला जाएगा, तो फिर टाइम नहीं होगा बाद में उसको आने का। तो वो कह रहा था कि मैं अभी आ जाता हूँ मिलने के लिए। तो आज भैया आ रहा है, फिर जीजू की भी फ्लाइट है परसों की, तो जीजू जी भी ओमान के लिए निकल जाएंगे परसों। तो मम्मी ने थोड़ा घी वगैरह अचार वगैरह बना रखा था हमारे लिए, तो अचार वगैरह भी लेके आएगा। और थोड़े बहुत मैंने कपड़े दिए थे वहाँ सिलने के लिए, तो कपड़े फोटोग्राफ्स वगैरह दिए थे वो भी आ जाएंगे, मतलब फ्रेम बनाने के लिए दिए थे वो भी लेके आएगा। तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भैया आने वाला है। और एक खुशी की बात ये भी है जीजू जी की, क्या कहते हैं, कुछ कह रही थी, बाहर देश का परमानेंट वाला हो गया है। तो आप हता आ गए, पटाया हो गए, बहुत ही ज्यादा पटाया हो जाना है, आप हता जाए मेरे धारण। तो आप फटाफट मड्डू टिपो और घर जान छू, थोड़ा बहुत कपड़े हन्ने, मतलब लोअर वगैरह हैं, तो उन पे ना एक सिलाई मारनी है, क्योंकि वो लोग वो ना हमेशा घर से ही कपड़े ले जाते हैं, मतलब लोअर वगैरह यहाँ इंडिया में अच्छे मिलते हैं। तो मैं कह रही थी कि इंडिया में अच्छे कपड़े मिलते हैं, तभी वो हमेशा यहीं से ख़रीद के ले जाते हैं। और बंदर कहाँ गया, तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। मड़वा इस रुक के मैं डालूंगी, तो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। ओ शिट, जैसे कि ये वाला मड़वा, ये वाला देख सकते हो आप, और ये वाला ना अच्छे से हो रखा है एकदम ब्राउन ब्राउन। तो हम ऐसे ही तोड़ करके ऐसे सारे डुक्के में डाल लेंगे ऐसे। अभी अच्छे से नहीं हुआ है ये, पर काटते हैं। तो दोस्तों बहुत कड़क वाली धूप आ चुकी है, और मैंने ना एक बोरिया मड़वा तोड़ दिया है, और मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रही है। तो अब थोड़ी देर और टीपती हूँ इन बालियों को, फिर जाती हूँ मैं घर की ओर। मौसम भी साफ हो रहा है, और जो कल हमने धान चूटे थे वो भी फैलाने होंगे धूप में, तो अब इनको मैं फटाफट से काट लेती हूँ। वैसे मैं पानी पीने के लिए बैठी थी, और घर में जाऊँगी फिर, घर में काम तो कुछ नहीं है आज, वैसे वही सारा कुछ है,
और इंतज़ार हो रहा है भाई के आने का। मैंने ना उसको 2-3 बार तो फ़ोन कर ही लिया है कि कब आएगा करके, तो कब आता है पता नहीं। होता है ना मायके वालों का इंतज़ार, वैसे तो कोई भी आता है ना मैं इंतज़ार करते रहती हूँ कि कब आएंगे करके, पता नहीं क्यों इंतज़ार करना ही पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मेरे को। मैं जब तक कोई आता नहीं है ना घर पे, पहुँचता नहीं है, इंतज़ार रहता है, खासकर मायके वालों का, और जब हस्बैंड जी घर पे आने वाले होते हैं तब। चलो करते हैं काम, और सोच लगी और सो जा, मैंने तो पहन लेना पिन बना, मैं बैठ जा रही हूँ। कहीं कमेंट में ऐसा मत लिख लेना कि खान लेना है। तो फटाफट काम करती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइज हो चुका है खाना पीना भी हमारा, और मेरी बाबू ना सो भी गई है, तो आज से हमारा डेरा यहीं पे है। तो अब जाते हैं छत की ओर, मौसम बहुत ख़राब होने लग गया, गड़बड़ गड़बड़ भी करने लग गया मौसम, तो मेरा हुलिया ही सा हो रहा है ना। तो जाते हैं अब छत की ओर, ठंडी हवले चलना है, नहा नहा नहा, पहले सूखे वाले कपड़े उठाना जरूरी है क्योंकि ये भीग गए तो ना गड़बड़ हो जाएगी गड़बड़। और मेरा भैया भी आ रहा है, वहाँ चोटी में पहुँचा है, इंतजार है मुझे मेरे भैया का। तो वहाँ पहुँचा है मेरा भैया उस वाली चोटी पे, और आसमान जी करने लग गए हैं गड़बड़ गड़बड़ का, जो कि हालांकि काफ़ी धूप भी लगी है, पर मुँह वाले बैंडेज तो उस वाले कमरे में है, तो अभी तो मैं यही वाला लगा लेती हूँ क्योंकि ये ना हर जगह वो कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम कर रहा है। और भैया मेरा आ गया, और मौसम ना इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब मौसम हो गया बाहर का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बारिश का पूरा मौसम, और हड़म्बड़म ओहो अंदर आ गया। भाई को नहीं दिखा पा रही क्योंकि ना अब मैं क्या बताऊं, कभी बताऊंगी ब्लॉग में। तो शानू भी उठ के नीचे कमरे की ओर चले गई है, और मैं बैठी हूँ यहाँ ऊपर अकेले, और हो रही हूँ बोर क्योंकि मेरा नेट पकड़ नहीं रहा बिल्कुल। ओहो शानू का भाई तो यहाँ है, ये देखो शानू का भाई कितना साफ सुथरा है। तो वो नीचे अपनी अम्मा को परेशान कर रही है कि मेरा भाई दे दो, और ये भाई ऊपर है तो थोड़ा बहुत मडुआ रह गया था काटना, पर मौसम ने कहा आराम करो, तो सही है थोड़ी देर आराम ही सही। अब घास काटने जैसा तो होगा नहीं, अब सूखी वाली घास ही डालनी होगी, तो देखते हैं क्या होता है। अब तो असोज का महीना भी लग गया है, सूखी वाली घास जो ठंडियों के लिए हमें स्टोर करनी होती है, तो हम उस घास को अब काटना स्टार्ट करेंगे। 3 महीने तो पूरे लग जाते हैं काटते काटते, शायद मेरे हस्बैंड जी आ सकते हैं क्योंकि मशीन भारी है तो मैं नहीं चला पाती उसको, तो बस वो कह रहे थे कि जहाँ पे तुम लोग नहीं काट पाओगे वहाँ वहाँ पे काट लेना, मतलब जहाँ जहाँ पे मशीन नहीं चलती है वहाँ वहाँ पे काट लेना, जैसे कि पत्थरों की जगह पे। फिर वो दीपावली के बाद शायद उनको छुट्टी मिलेगी तो वो घर आएंगे, फिर हम काट लेंगे आराम से, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, और देखते हैं क्या होता है। धान की खेती तो हो ही गई है, थोड़े बहुत और रह गए हैं, और उसके बाद है मडुआ, मडुआ भी हो ही जाएगा वैसे लगभग लगभग 4-5 दिन में, तो मडुए की खेती भी हो ही जाएगी, देखते हैं क्या होता है। चलो आराम करते हैं थोड़ी देर, मिलते हैं आपको बाद में। तो दोस्तों देख सकते हो इंद्रधनुष लग चुका है हमारे यहाँ, ये देखिए एकदम क्लियर नहीं आ रहा पर बहुत प्यारा लग रहा है। खाया तो भैया ने खाना भी खा लिया है,
और ना भैया अपने साथ बारिश भी लेके आए, बारिश ठंडा। तो ये है भैया, भैया के आते, भैया कह रहा कि मेरे आते ही बारिश आ गई। और इंद्रधनुष आज बज चुके हैं शाम के 5 और दीदी और मैं आए हैं अभी घास काटने के लिए, क्योंकि मौसम अभी साफ हुआ है तो हम एक एक पुल्ला घास का काट के ले जाएंगे और इसी खेत से काटना है घास। तो दीदी उस साइड को काट रही है और मैं यहाँ, और शाम का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। तो ये देखिए रात, और मम्मी ने भेजे हैं हमारे अमरूद। ऐसे तो ये कोमल तो हो रहे हैं पर अभी बड़े दाने नहीं हो रहे, क्योंकि ये ना देसी अमरूद है, पर पहाड़ हमारा पहाड़ी अमरूद नहीं। ये हम ब्लॉक से पेड़ लेके आए थे, तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब हमने ये पेड़ लगा लिया था। तो ये दाने पिछली बार के हैं, मतलब जिसको बोलते हैं दो दो बार वाला फल, तो ये पिछली बार के दाने हैं। और इस साल का फल अभी आया है कैरिया में भी, तो भैया अमरूद लेके आया था तो 2-4 दाने मेरे को भी दिए हैं। तो पहले मैं खा लेती हूँ अमरूद और आज आराम ही आराम है, फिर मैं थोड़ी देर और आराम करूँगी। दोस्तों आप देख सकते हो मूसलाधार बारिश हो रही है हमारे यहाँ अभी।